अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये 2012 की 10-12 की i10 है। ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। ये गाड़ी तो मैकेनिक ने थी गाड़ी, ऑलरेडी पूरा मैकेनिक डेंटिंग पेंटिंग वगैरह सब करा दिया। कुछ वायरिंग का काम था, वायरिंग का काम भी करा दिया। थोड़े वो चीज़ें टूट गए थे, वो भी चेंज कर लिया। तो कस्टमर ने बहुत समय से ये गाड़ी, बहुत टाइम से है, तो कस्टम वे मैकेनिक का जो है बहुत टाइम से गाड़ी। तो मैकेनिक का ने ये प्रॉब्लम है कि गाड़ी स्टार्ट तो बराबर ठीक से हो जाना। आप देख सकते हैं चाबी ऑफ है, ऑन है, स्टार्ट करो ठीक से हो जा रहा। आप आरपीएम देख सकते हैं 900 है, अप डाउन भी हो रहा थोड़ा। जैसे ही मैं एक्सीलेटर दूंगा, देखिए आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं एक्सीलेटर दूंगा गाड़ी ऑफ हो जा रहा। तो कस्टमर यही कंप्लेंट बोल रहा है कि गाड़ी चल रहा नहीं, जैसा ही रेस देते कि ऑफ हो जा रहा। अभी दोबारा स्टार्ट किया हमें, आपको रेस करके बताऊंगा मैं एक बार। आप देख सकते हैं जैसे ही रेस देते गाड़ी ऑफ हो गई। तो यही कंप्लेंट है कस्टमर का कि गाड़ी रेस नहीं हो रहा। तो अपन इसको फर्स्ट स्कैनिंग करेंगे। कस्टमर देख सकते हैं कि इसकी ECM वगैरह वायरिंग हुआ है, सोप ऑलरेडी दूसरे इलेक्ट्रिशियन के पास चेक करा लिया, तो भी इलेक्ट्रिशियन कोई बोला करते ECM गया बोल के। तो अपन चेक करेंगे क्या है क्या नहीं, चेक करेंगे, चेक करके बताएंगे। उससे पहले स्कैन करेंगे एक बार। आप देख सकते हैं 1.1 है ये। ट्रबल कोड रीडेड, तो उसमें दो फॉल्ट कोड बता रहा, एक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का, एक टोटल बॉडी सेंसर सिग्नल सर्किट हाई। ये दो कोड बता रहा है, P0106 P0123। तो ये कोड तो एक टोटल पोजीशन सेंसर का एक है, एक मैनिफोल्ड सेंसर का एक है। तो एक बार चेक करेंगे अपन। उससे पहले आपको और एक बार स्टार्ट करके बताऊंगा मैं। जैसे कि रेस जीरो में गाड़ी ऑफ हो जा रहा। अभी रेस जीरो में आपको देखो बता, अभी रेस दूंगा गाड़ी ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया। फॉल्ट भी एक बार क्लियर करके देखते हैं। क्लियर फॉल्ट कोड सक्सेसफुली, गिट फॉल्ट कोड मैनिफोल्ड का दे रहा, टोटल बॉडी का चले गया। फिर एक बार स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिए, रेस कर रहा हूँ, ऑफ हो जा रहा। एक बार फिर एक बार फॉल्ट चेक करेंगे, फिर टोटल बॉडी का आ गया। तो उसकी चेक करेंगे अपन, वायरिंग वगैरह सेंसर वगैरह कैसे चेक करेंगे। ऑलरेडी कस्टमर तो सेंसर वगैरह डाल लिया इसके, टोटल बॉडी भी चेंज कर लिया, फ्यूल इंजेक्टर भी चेंज कर लिया, फिर भी अपन एक बार चेक करेंगे। तो बाहर आ चुका हूँ मैं एक बार। आप देख सकते हैं ये इसका मैनिफोल्ड सेंसर है, ये इसका एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर है। तो उसको एक बार निकाल के इसके अंदर वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। इसके तीन वायर होते हैं, एक में 5 वोल्ट, एक में ग्राउंड, एक में सिग्नल आना चाहिए। तो तीनों भी चेक करेंगे अपन। ये मल्टीमीटर लगा लिया हमें, एक उसका माइनस पे लगा लिया। ये 12 वोल्ट देख सकते हैं, 12 वोल्ट करंट आ रहा। सिग्नल चेक करंट चेक करेंगे उसका, 5 वोल्ट करंट आ रहा फर्स्ट में। ये सेकंड इसका ग्राउंड है, आपको ग्राउंड भी बता दूंगा मैं आपको। ये थर्ड वायर इसका सिग्नल है, सिग्नल भी बराबर आ रहा। तो वायरिंग में तो कुछ भी कंप्लेंट नहीं है। एक बार सेंसर को लगा के चेक करेंगे अपन। सेंसर के सिग्नल के वायर में लगाना, वायर पीछे से सिग्नल के वायर में लगाया मैं सेंसर के। आप देख सकते हैं 4 वोल्ट आ रहा, 4 वोल्ट आ रहा, चाबी ऑन है।
सिग्नल के वायर में लगे हुआ है वायर। जैसे ही मैं एक्सलेटर दूंगा, 4 ने 5 वोल्ट डाला, वो 80 है 70 है। जैसे ही मैं एक्सलेटर दूंगा, ये 5 वोल्ट नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। जैसे ही मैं एक्सलेटर दूंगा तो ये बढ़ना कम बढ़ना चाहिए। और आप देख सकते हैं एक्सलेटर दे रूम में कुछ काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सेंसर काम नहीं कर रहा है इसका। ऑलरेडी ये सेंसर डाले तो है सेकेंड में लाके, ये मैनिफोल्ड सेंसर भी डाले तो है, और ये 5 वोल्ट आ रहा सेंसर को लगाने के बाद कम होना चाहिए वोल्ट इसका। लगाने के बाद भी 5 वोल्ट आ रहा, तो जब अपन ओपन सर्किट चेक करते, एक में 5 वोल्ट, एक में ग्राउंड और एक में 4-5 वोल्ट जो भी आ रहा ठीक है। जब अपन सेंसर की सॉकेट को लगा देंगे, कौन सा भी सेंसर, तो 5 वोल्ट की जगह पे 5 वोल्ट बराबर रहेगा, ग्राउंड की जगह पे ग्राउंड बराबर रहेगा, सिग्नल की जगह पे उसका वोल्ट कम हो जाएगा। तो इसका सिग्नल की जगह पे भी वोल्ट उसका स्टेट है, ठहरे हुआ रह रहा, तो इसका मतलब सेंसर ख़राब है। अभी आप देख सकते हैं इसका सेंसर कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा। तो एक बार इसका सेंसर खोलेंगे अपन, खोल के चेक करेंगे। तो एक बार सेंसर खोलने से पहले मैं आपको एक बार इसके लाइव डाटा में आपको इसके वोल्ट चेक करके बताऊंगा कि इसमें कितने वोल्ट आने चाहिए। ये देख रहे हो डाटा लिस्ट, ये टोटल पोजीशन सेंसर वोल्टेज, इसको ओके कर लेना है। अब देख रहे हो इधर 4.8, तो अपने को भी उधर मीटर में चेक करे तो भी 4.8 ही बता रहा, तो इसको उतना नहीं बताना चाहिए, करीब 1 वोल्ट के बताना चाहिए, 1 वोल्ट के करीब बताना चाहिए। तो आपको स्टार्ट करके बताऊंगा मैं। आप देख सकते हैं स्टार्ट कर दिया गाड़ी में ये, तो इसमें वोल्टेज कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहे, कुछ बैटरी भी नहीं कम भी नहीं हो रहे। तो ये अभी आप सेंसर खोलेंगे अपन, सेंसर खोल के आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं इसका सेंसर खोल लिया मैं, यहाँ मीटर भी लगा लिया, तो उसको टेस्ट करेंगे अपन। ये सेंसर तो बराबर काम कर रहा, देखिए आप पूरा छोड़ दिया मैं, धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, तो बराबर काम कर रहा सेंसर। ये सेंसर भी ठीक है, इसकी वायरिंग भी ठीक है। अब मसला किसमें इसका बोले तो, ये सेंसर जो बंदा बिठाया वो सेंसर ठीक से नहीं बिठाया, तो ये सेंसर की पोजीशन ऐसा सेटिंग करके बिठाने का है, ऐसा पोजीशन सेटिंग करके बिठाने का है, तो सेंसर बिठाने वाला बंदा ठीक से नहीं बिठाया। अपन ये सेंसर ठीक से बिठा के चेक करेंगे। अभी तो इसका मैं सेंसर फिट कर दिया, फिट करने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताऊंगा। अभी मैं उससे पहले एक बार स्कैनर कनेक्ट कर लूँ। नेक्स्ट सिस्टम सिलेक्शन इन द लीड, ट्रिपल कोड RTDC। अभी देखिए मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का प्रॉब्लम दे रहा, ये भी इस वजह से दे रहा कि उसका मैनिफोल्ड सेंसर चले गया है। तो मैं वो मैकेनिक को बोला कि एक सेंसर ला के होने का है, बोले तो वो ला के दे तुम, बोल के बोला। पर जो एक्सलेटर का प्रॉब्लम था वो तो चले गया, क्योंकि वो एक्सलेटर पोजीशन सेंसर सही तरह से फिट नहीं था। वो मैकेनिक जो बंदा फिट करा वो ठीक से नहीं करा था, वो दूसरा सेंसर लाया, दो सेंसर चेंज कर लिया, टोटल बॉडी चेंज कर लिया, इंजेक्टर चेंज कर लिया, बहुत सारी चीज़ चेंज कर लिया वो, यहाँ तक कि ECM भी रिपेयर है सब, बल्कि ECM चेक भी करा लिया, वो डैशबोर्ड वगैरह खोल लिया वायरिंग प्रॉब्लम है समझ के, पर उसको प्रॉब्लम ही नहीं मिला। वो प्रॉब्लम था क्या, छोटा सा प्रॉब्लम था कि सेंसर फिट नहीं था ठीक से, तो उस पर से गाड़ी रेज नहीं हो रहा था, बिल्कुल ही रेज नहीं हो रहा था। रेज करने गए तो गाड़ी बंद हो जा रहा था। तो अभी तो मैं सेंसर जैसा था वैसा फिट कर दिया, जैसा होना चाहिए वैसा फिट कर दिया। अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताऊंगा मैं। चाबी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैं। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी ठीक से रोज़ आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेंट तो चले गया। अभी आपको इसके डाटा लिस्ट में भी बता दूंगा मैं। टोटल पोजीशन सेंसर वोल्टेज
ओके आप देख सकते हैं इधर 0.5 आ रहा। तो जैसे मैं इसको रेस करूँगा इसके वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए। पहले 4.8 आ रहा था, अभी 0.5 आ रहा आप देख सकते हैं। तो इसमें यही प्रॉब्लम था कि जो सेंसर था वो सेंसर ठीक से फिट नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम तो सक्सेस हो गया। ये गाड़ी हुआ था एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की तरफ से इसके बहुत सारे आइटम्स टूट गए थे। तो मैकेनिक के पास आई थी गाड़ी, मैकेनिक ने भी 2 महीने से कुछ रखी हुई है, कहते गाड़ी बन के ये प्रॉब्लम सता रहा बोल के। फिर कोई बंदा मेरा नाम एड्रेस दिया तो ले के आया गाड़ी तो कंप्लीट हो गई। अभी वो एक मैनिफोल्ड सेंसर का कोड बता रहा है आपको, वो सेंसर आने के बाद फिट कर दूंगा मैं, फिट करके गाड़ी डिलीवरी दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।